तो गाइस ये है जिसको मैं उठाकर जबरदस्ती आपको बता रही थी, इसका बाहर सब ज्यादा अच्छे से है। सो आई एम गोइंग टू अनबॉक्स। सो गाइस मैंने अनबॉक्सिंग कर ली है जो बड़ी कंपनी के है, सोचो ना देखिए बात है, आई डोंट हैव एनर्जी बट अभी मैं बिल्कुल भी दिख नहीं, आई डोंट नो इतना एनर्जी बाद में। सो ये मैंने अभी फिक्स कर दिया है, सो उसमें ये वाला ओके। सो दिस इज हाउ इट्स सपोज्ड टू लुक लाइक। Hey guys, it's me, Rania here. So, yeah guys, I am not at all feeling well. It's been a few days, I am having some stomach issues and as you can see, my condition is not good. And like, I think I made a video जहाँ पे मैं cooking नहीं कर रही थी, बाहर से बहुत सारा खाना मंगा के खा रही थी. So after that, एक दिन तो कुछ नहीं हुआ, but next day, के बाद से मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया. Like I got stomach issues, पूरा मेरा पेट खराब हो रहा है, loose motion हो रहा है, indigestion हो रहा है. Like मैं अभी कुछ भी खा रही हूँ तो it just comes out. So बहुत ज़्यादा issues हैं. Even then, अभी मैं fully like liquid type पे हूँ. Like I'm having juice and fruits वगैरह खा करके रह रही हूँ, और कुछ भी ना मसाला खा रही हूँ, ना राइस खा रही हूँ, ना रेड ऑल नॉट कोई भी वेजिटेबल्स भी नहीं खा पा रही हूँ. सो इतना बुरा हाल हो गया मेरा. आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग. आई गॉट वन पार्सल जो कि मैंने मंगाया था और मैं उसको भी अनबॉक्स करने वाली हूँ. सो मैं सोच रही हूँ अभी आ गया है तो बिकॉज आई नीड टू चेक दिस कि ये अच्छा है ना नहीं है. सो इसलिए मैंने सोचा है कि आप सबको भी दिखा दूँ. ओके सो गाइस ये है वो पार्सल. ये बहुत बड़ा सा एक पार्सल है जिसको मैंने जैसे तैसे उठा करके यहाँ पर रखा हुआ है. सो एक्चुअली मैंने इसको शाम को रिसीव किया था बट मैं जब मुझे टाइम नहीं था ओपन करने के लिए. सो अभी मैं इसको अनबॉक्स करूँगी और इसको मैं असेंबल करूँगी. सो इसको मैं अभी सोच रही हूँ कि अंडर ले जाऊँ क्योंकि यहाँ पर लाइट का इशू है. सो आई जस्ट टेक दिस इनसाइड एंड आफ्टर दैट आई विल बी अनबॉक्सिंग. मेरा कंडीशन ठीक नहीं है और प्लस आई हैव नो एनर्जी टू इवन टू पैक दिस, बट मैं मुझे चेक करना है ये ठीक है या नहीं है. सो इसलिए मैं इसे देख लूँगी. सो वैसे ये बाहर से थोड़ा इसका पैकेजिंग खुला हुआ है बट इनसाइड वन मोर पैकेज इज देयर, लाइक वन मोर कपबोर्ड इज है. तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, आई एम श्योर इसका कंडीशन ठीक ही होगा. एंड दिस इज़ ऑल्सो आई गॉट इट फ्रॉम अमेजोन. मुझे यहाँ पर बुक का जो बुक रैक चाहिए था सो इसलिए इसको मैंने मंगाया है. सो मैं आपको और डिटेल में इसको बताऊँगी, इसका प्राइस बताऊँगी, इसको दिखाऊँगी अभी. सो पहले मैं इसका अनबॉक्स करती हूँ. ओके सो गाइस ये है जिसको मैं उठाकर जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आ गई हूँ. अभी मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ इस पार्सल का. ओके सो गाइस जैसे कि मैं आपको बता रही थी, इसका बाहर वाला कवर थोड़ा सा ख़राब हो गया है बट इनसाइड वन इट्स वेरी नाइसली पैक्ड. और ऊपर से ये लगाने की वजह से और ज़्यादा अच्छे से है. सो आई एम गोइंग टू अनबॉक्स दिस एज वेल. सो देखते हैं ये कैसे होगा. ओके सो गाइस मैंने अनबॉक्सिंग कर लिया है. सो यहाँ पर ये इस तरह का कुछ सो इस तरह का ये बॉक्स दिख रहा है. सो इसके अंदर ये है बहुत हैवी है एक्चुअली. एंड आई थिंक यहाँ पर दो पीस है. सो इसको आई डोंट नो व्हाई दिस इज सो तेरा, ये थोड़ा सा तेरा है यहाँ पर. आप इसको देखते हैं और उसके अंदर सो ये है, ये कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड है. इस पर ये इतना बड़ा नहीं है. ओके सो ये है. ओके सो आई गॉट फोर पीस, फाइव पीस. ओह माय गॉड इट्स गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज कैसे बनाओ एल. ओके सो गाइस मुझे लगा था कि मैं इसे फिक्स कर लूँगी बट ये नहीं हो रहा है एंड आई डोंट नो हाउ टू डू दिस. मैंने इंस्ट्रक्शन भी पढ़ा पर भी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है बट और मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ. लाइक आई हैव नो एनर्जी, इतना ज़्यादा लूज मोशन होने के बाद में आई डोंट हैव एनर्जी. बट अभी मैंने इसे खोल ही लिया है तो आई एम गोना ट्राई टू फिक्स इट. अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज आई जस्ट कीप इट एक जगह पर, वापस पे करके एक जगह पर रख दूंगी एंड देन आई आस्क समबडी एल्स टू फिक्स इट फॉर मी. सो आई एम गोना ट्राई वन मोर टाइम. हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आई डोंट नो इतना एनर्जी, लाइक आई फील वेरी वीक, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है एंड या इसको करना ही पड़ेगा.
वेल एक्चुअली आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस एज अ पिक वाला, थोड़ा बड़ा सोचा था, बट आई डोंट थिंक ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे. बट फिक्स करने के बाद ही पता चलेगा कि इसका एग्जैक्ट साइज वगैरह और ये देखने में कैसा है. सो गाइज लेट मी ट्राई वन मोर टाइम. सो गाइज फाइनली मैंने समहाउ आई फिक्स इट, बहुत मुश्किल के बाद एंड बहुत टाइम के बाद में. सो ये मैंने अभी फिक्स कर दिया है. सो उसमें ये वाला एक ये शैंक ये वाला एक जाएगा यहाँ पर. सो मैं अभी इसे डालती लेती हूँ. ये आई थिंक आई कैन यूज़ दिस फ्रॉम बोथ द साइड. ओके सो इसको मैं यहाँ पर ऐसे आपको डालना होगा. ऑलराइट वाओ. ओके सो दिस इज़ हाउ इट्स सपोज टू लुक लाइक. तो ये फिलहाल के लिए तो मेरा फिक्सिंग यहाँ पर भी देखो इस तरह का फिक्सिंग आ रहा है, ये इतना अच्छा नहीं है. सो दिस साइड मैंने अच्छे से किया हुआ है, बट दिस साइड अब इसको फिर से मिलाना पड़ेगा. सो ये ऐसे दिखने वाला है. ओके सो गाइस मैंने ये लगा दिया है एक, और मैं फिर इस तरह से इसको कंटिन्यू करूँगी एंड पूरा बनने के बाद मैं आप सबको दिखाऊँगी कि ये कैसे बना हुआ है. ऑलराइट ओके सो गाइस यहाँ पर मुझे फिर से कुछ मिला है और इसका मुझे क्या यूज़ करना है मुझे पता नहीं है. सो ये यहाँ नीचे पे लगने वाला है, वो दिखाती हूँ ये कहाँ लग रहा है. ये मैंने यहाँ लगाया, इस तरह का सेप है ये, और अभी मैं यहाँ इस साइड पे लगाने वाली हूँ. ओके सो यहाँ पर इस तरह का फिर से आपको चार कनेक्टर मिल रहा है. सो इसको यहाँ पर लगाना है चारों साइड में, मैं आपको दिखाती हूँ. और अभी मैं लगाने वाली हूँ इसमें और यहाँ ऊपर, यहाँ पर और कनेक्ट करने वाली हूँ ये वाला, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा इसके बाद.